Hello everyone. Today I'll be taking this session on inherited birth charts. So for so many days I was taking the session in English, but as it was requested by one of our viewers to conduct the session on Hindi, today I will be conducting in Hindi. So आज का जो session है वो birth chart के ऊपर है, जो आपका parents और child के relation के उनके बर्थ चार्ट या फिर कुंडली में क्या क्या समानताएं होती है और कैसे उसको समझा जाता है वो आज हम देखेंगे और किस कारण से वो होता है। हम लोग तो जैसे ये चीज और ये पैटर्न तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक तरह से कहिए कि जो लाइफस्टाइल होता है पेरेंट्स का, उसका कुछ जो पर्टिकुलर एक पार्ट होता है वो बच्चों में भी आता है। जैसे उनका लुक्स होता है या फिर फिजिक होती है, तो वो पेरेंट्स का जो एक तरह से पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी होता है वो बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होता है। सेम चीज़ यहाँ कुंडली में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो हम लोग आज देखेंगे और थोड़ा स्टडी करेंगे कि कैसे। स्टार्ट करते तो ये तो अब तक आपको लोग को पता ही होगा कि जो हम लोग का फिफ्थ हाउस होता है वो संतान का कारक घर है या संतान को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा फिफ्थ हाउस है। और फिफ्थ हाउस जैसे मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है वो अगर उसके संतान को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट्स होंगे वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो उसके संतान में भी आने चाहिए। मतलब कि कुछ योग अगर बनते हो तो उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इन अ वे आप कहिए कि मतलब जो चीज़ यहाँ पे एविडेंट है उसके कुछ मतलब कि सिंबल या फिर कुछ तरह से कई ट्रेसेस आपको संतान के भी कुंडली में मिलने चाहिए, इफ इट इज एक्यूरेट। अगर वो ज्योतिष पूरी तरह एक्यूरेट होता है तो, अगर नहीं होता है फिर तो आपको कोई रिलेशन मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर है तो ये तो लॉजिकली एक बात होती है कि ये तो आपको मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं और कुछ केस स्टडीज देखते हैं। मैंने कुछ करीब अपने पिछले 10 साल में कुछ 20 से भी ज़्यादा ऐसे पेरेंट चाइल्ड बर्थ चार्ट्स लिए हैं, उनकी कुंडली को एनालिसिस किया है और देखा है कि जो पैटर्न होता है वो तो अपने आपस में भाई बहनों में भी होता है, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा होता है। तो पहले केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक माँ की और एक माँ की और उनके एक पुत्री की जन्म कुंडली मैंने ली है, मदर डॉटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं और इसको एनालाइज करिए कि माँ की कुंडली में और बेटी की कुंडली में क्या समानता है। यश आप अपना एनालिसिस दे सकते हाँ, हैं। इसमें एक चीज जो दिख रही है साथ साथ, सबसे पहले कि चंद्र और शनि एक ही भाव में आ रहे हैं दोनों की, उसमें जो माँ है उसमें उनकी कुंडली में ये जेमिनी में आ रहा है और इसमें कर्क राशि में आ रहा है। और उसके अलावा बाकी आप ही बताएं। हाँ, ये एक अच्छा आपने वो जो पैटर्न था वो ठीक से आपने स्पॉट किया, ये सही काफी सही पैटर्न है। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माँ की कुंडली में क्या क्या योग बन रहे हैं और उसको हम लोग कैसे कैसे एनालाइज करते हैं। तो एक चीज मैंने आपको पहले अपने क्लासेस में बताया था सेशंस में कि शनि और चंद्रमा अगर साथ में हो तो एक तरह से मैंने बताया था कि चंद्रमा आपको देखना पड़ता है कि वो किसके साथ है, और चंद्रमा जब कभी भी किसी ग्रह के साथ हो तो उसके जो गुण होते हैं अपने अंदर ले लेता है। जैसे मान लीजिए शनि के साथ हो तो मैंने बताया था कि शनि के जो गुण हैं, जैसे ये लोग कुछ हद तक थोड़े नैरो माइंडेड होते हैं या फिर कहिए कि बातों पे जल्दी ज्यादा चिढ़ जाना, या फिर होता है ना कि हमेशा देखना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, उस तरह की टेंडेंसी जो होती है वो चंद्र शनि में बहुत ज्यादा आ जाती है। ये मैंने खास करके देखा है, बहुत ज्यादा हद तक देखा है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अब चंद्रमा से सूर्य की जो डिस्टेंस है
वो कितनी ज्यादा है। अब जैसे मैंने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में अमावस के पास का अगर जन्म हो तो चंद्रमा की जो कैपेसिटी, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और जब वो ज्यादा हो अगर पूर्णिमा के आसपास तो वो बढ़ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर कंजंक्शन ही सिर्फ यहाँ पे देखे तो जैसे शनि चंद्रमा और साथ में है, तो वो वाला जो विष योग, जो हम इसे एक होता है ना कि जो मेन स्ट्रीम एस्ट्रोलॉजी है उस पे इसको विष योग के नाम से जाना गया है, चंद्रमा और शनि का योग, तो ये दोनों के कुंडली में है, माँ के भी और उसकी बेटी की भी कुंडली में। लेकिन एक चीज होता है कि अगर चंद्रमा आपके लग्न में हो तो इंसान काफी केयरिंग होता है, इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, वो नेचर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहला चीज। दूसरा ये मंगल 12वें में, एक और मैं सूत्र यहाँ पे आपको बता देता हूँ ज्योतिष के, कि मंगल अगर प्रथम भाव में हो और 12वें घर में हो, ये दो घर में मंगल होने से मांगलिक होते हैं आप, जातक मांगलिक होता है। हाँ, तो अगर मंगल की स्थिति, मंगल तो मैंने बताया था कि आपको 12वें घर, प्रथम घर, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, ये सभी घरों में होने से मांगलिक दोष या मांगलिक जो योग है वो बनता है। प्रथम घर और 12वें घर में होने से उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस क्यों होता है, इसका एक कारण है। एक तरह से कहिए कि अगर मंगल द्वितीय घर या फिर लग्न में या 12वें घर में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, और खास करके जब मांगलिक दोष ये बना दे, जैसे द्वितीय भाव में हो तब तो ये मांगलिक दोष नहीं बनता, लेकिन अगर प्रथम भाव और 12वें भाव में हो तब ज्यादा बनता है, तब मांगलिक दोष बनता है। ये तो होता नहीं है, और मांगलिक दोष प्लस यहाँ पे अगर मंगल हो जाए तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब काइंड ऑफ पर्सन होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पे वो योग बना, और वो योग अगर आप देखे तो आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो सेकेंड ट्रेड भी आपको मिल गया कि भाई कुछ चीज तो इनहेरिट हो रही है, कुछ पैटर्न तो हमें साथ दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए राहु और केतु, ये छठे और 12वें के एक्सिस में है। वैसे छठे घर में तो राहु अच्छा माना जाता है ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, और एक होता है ना कि अपना सर्कल बढ़ाने के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे चेंज होने का कारण हमें शायद पिता की कुंडली से देखना पड़ेगा कि उनके कुंडली में क्या है जिस कारण ये चेंज हुआ। हो सकता है कि पिता के कुंडली में उसका राहु और केतु किसी और एक्सिस में रहे होंगे, जिसका प्रभाव वो होता है ना कि दोनों का प्रभाव मिल करके इस तरह का हुआ होगा, तो ये कारण हो सकता है। और फिर एक और चीज मैं जो मैंने बताई नहीं, चंद्रमा अगर लग्न में हो तब तो व्यक्ति मतलब कि एक तो होता है कि एक सॉफ्ट हार्टेड और केयरिंग नेचर तो आपका आता ही है। जब चंद्रमा कर्क राशि का होता है, कर्क राशि में भी चंद्रमा वही उसका नेचर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्लोज कंजंक्शन तो है, दोनों की युति बहुत नजदीक है, लेकिन साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में भी है, जिसके कारण वो केयरिंग नेचर जो है वो भी आपको एक तरह से माँ से इनहेरिट हुआ। फिर यहाँ पे एक और चीज मैंने जहां तक नोटिस की है, अगर मान लीजिए माता या पिता के कुंडली में कोई भी ग्रह किसी घर पे बैठा हुआ, तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि संतान की कुंडली में वही ग्रह एक उसी घर पे, उसके एक घर पीछे या फिर उसके एक घर आगे हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा प्रबल योग बनेंगे। ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। और यहाँ पे भी देखिए शुक्र एक घर पीछे चला गया, मतलब यहाँ अष्टम में था और यहाँ सप्तम में आ गया। तो इस तरह से मतलब कुछ पैटर्न्स जो है, जो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी मिली। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पूरे पैटर्न्स को स्टडी करना होता है तो एक चीज आप समझिए, अगर घर में मान लीजिए आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो आपको पता करना है कि भाई इस व्यक्ति का किसका, इस व्यक्ति पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं अपने घर में हूँ, और मेरे घर में
मुझ पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, मेरे पिता का, मेरे माता का, या फिर मेरे भाई बहनों का? तो अगर घर में हम सबकी कुंडली देखें और देखें कि भाई कौन दो लोग हैं जिसकी कुंडली सबसे ज्यादा मिल रही है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई कौन लोग हैं जो जिसका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे कितना ज्यादा हो। तो एक होता ना कि मतलब परिवार जो है वो इसी तरह से बनता है, एक इंसान, एक व्यक्ति का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे पर हुआ, उसी के बाद आप जो है उसी हिसाब से पर्सनालिटी बनाने लगते हैं। तो ये चीज यहाँ पे, और क्योंकि माता पिता का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा होता है संतान पे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो क्वालिटीज होती है वो माता पिता से हम इनहेरिट करते हैं। और ये भी देखे कि संयोग की बात है कि ग्रह दशा भी और ग्रह का जो युति होता है वो भी अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि संतान की कुंडली में भी उस तरह से आना है। तो प्रकृति को पता है कि अपने आप को किस तरह से और कहाँ पे है ना कि अपने आप को डिजाइन करना है, ताकि जो संतान के लिए भी जो योग बने वो उस हिसाब से बने। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी ज्योतिष के द्वारा। तो चलिए हम एक और केस स्टडी लेते हैं और वहां पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्वालिटीज है। तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, दोनों कुंडलियों को देखिए, समझिए और प्रयास करिए कि इसमें क्या क्या समानता हमें दिखती है। ठीक है, हाँ यश बताइए। इसमें भी शनि सेम सेम राशि में है, और उसके अलावा शनि की दृष्टि भी उसी घर पर बैठ पड़ रही है जिस घर में वो मतलब माता की ये कुंडली जो है किसी फादर सन की है या मदर नहीं, डॉटर है या क्या है इसमें? मदर सन है, तो ये मदर की अच्छा फोटो सॉरी, है और ये हाँ जी सन मदर एंड सन। है। तो उसके अलावा चंद्रमा जो है इसमें जो मदर की कुंड में चंद्रमा जो है वो प्रथम भाव में है, और उस और सन की जो कुंडली में वो सप्तम भाव में है, तो इसका भी एक डायरेक्ट जो है वो है यहाँ पे एस्पेक्ट या जिसको दृष्टि जो हम कहते हैं। तो दोनों शनि और चंद्रमा का इसमें भी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। उसके अलावा बाकी तो आप ही बताएं। ठीक है, तो आपने अच्छा एनालिसिस किया यहाँ पे, कुछ कुछ पॉइंट्स आपने अच्छे लिए, लेकिन जो सबसे मेजर पॉइंट था वो आपने शायद यहाँ पे मिस कर दिया। अब देखिए, ये अगर माँ की कुंडली है तो संतान का जो भाव होगा वो होगा पंचम भाव। तो पंचम भाव चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पंचम भाव का जो स्वामी है बुध है, मिथुन राशि यहाँ पे आती है, मिथुन राशि का स्वामी बुध यहीं पे है और वो मंगल और सूर्य के साथ है। तो काफी अच्छा योग बन गया यहाँ पे। पंचम का जो स्वामी है वो स्वग्रही है और सूर्य के साथ है, यहाँ पे बुध और आदित्य का एक अच्छा योग है, मंगल भी इसके साथ है, तो एक एग्रेशन भी आपको ज्यादा दे देता है। और एक और चीज देखिए कि षष्ठ का स्वामी होकर के बुध भी यहाँ पे है, तो एक होता ना कि एक रीजनिंग काइंड ऑफ माइंड होगा इनका, वो भी एक है। तो पंचम भाव अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सूर्य बुध और मंगल का खास करके बहुत अच्छा प्रभाव है। और संयोग देखिए यहाँ पे, जब उसके पुत्र का भी जन्म हुआ था तो सूर्य लग्न में था, मंगल भी लग्न में था और बुध भी लग्न में था। इन तीनों की युति उसी वक्त हुई थी जब इनका जन्म हुआ। तो ये संयोग देखिए, और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो लग्नेश लग्न में है, यहाँ पे आप देखिए पंचमेश पंचम में है, और यहाँ पे देखिए लग्नेश सूर्य लग्न में ही है। तो मतलब एक तरह से आप समझने लगते हैं कि भाई जो प्रकृति भी है वो अपने आप को, वो होता ना कि किसी का जन्म होता है तो वो उसी टाइम पे या फिर उसी समय पे क्यों होता है, उसका कारण होता है।
अब धीरे धीरे अगर आप और भी ज्यादा कुंडलियों का विश्लेषण करिए और समझिए कि कुंडली में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या समानता है, तो भी आपको समझ में आएगा कि अगर प्रकृति में कुछ किसी कारण से हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बिना कारण के, या फिर वो रैंडम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो पहली जैसे समानता तो डीएनए ट्रांसफर होता है जेनरेशंस में, उसी तरह से कुछ ये जो हमारे ग्रह हैं वो भी उसी तरह से कहीं कुंडली में ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर। ट्रांसफर हो रहे हैं, और साथ में देखिए वो मतलब अपने आप को उसी युति में ले आते हैं जिसमें जो माता पिता में था, और संतान में भी वही आ जाता है। तो ग्रह भी अपने आप को उसी तरह से होता है कि रीअलाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए मतलब मुझे, मैंने तो जब सबसे पहले देखा था तो मुझे लगा था कि भाई कि प्रकृति को हम लोग ज्यादा लोग समझ नहीं पाए, और जो आज मतलब लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष दके अनुषी है या बकवास है, तो अगर वो लोग ये समझे कि मतलब प्रकृति किस तरह से अपने आप को स्थिर रखती है और किस तरह से अपने आप को अपना संचालन करती है, तो मुझे तो मतलब कि मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे इसको बताने के लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे और पहलू पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माता का कुंभ राशि है, चंद्रमा कुंभ राशि में। यहाँ पे एक बात है कि माता का जो नक्षत्र है ये शतभिषा नक्षत्र है, ये राहु का होता है, और यहाँ पे जो नक्षत्र है ये धनिष्ठा नक्षत्र है, लेकिन ये भी कुंभ राशि में ही है। तो चंद्रमा एक नक्षत्र पीछे आ गया, लेकिन संतान को भी और पुत्र को भी वही राशि मिला, कुंभ राशि। तो यहाँ पे भी एक देखिए बहुत बड़ा संयोग बन गया। फिर मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अब जुपिटर जो हमारा बृहस्पति है वो 0 डिग्री का है, मतलब कि राशि संधि में कुछ देर बाद, मतलब कुछ टाइम पहले ही इसका राशि परिवर्तन हुआ था। एक तरह से इसने द्वितीय भाव का पूर्ण भ्रमण कर लिया था और तृतीय भाव में प्रवेश कर ही रहा था, तभी माँ का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब संतान का अगर देखिए तो जुपिटर बृहस्पति द्वितीय भाव में है और 28 डिग्री, मतलब कि इसका भी राशि परिवर्तन ऑलमोस्ट होने वाला है। और आपको भी अगर पता होगा कि राशि परिवर्तन जुपिटर का पिछले साल ही हुआ था, 2017 में अक्टूबर के आसपास, अगर मुझे सही से याद हो तो अक्टूबर या सितंबर के आसपास वो तुला राशि में गया था। तो यहाँ पे भी देखिए बृहस्पति का जो अलाइनमेंट है वो राशि संधि के आसपास है। यहाँ पे ये शनि का तो एक राशि में होना, मतलब वृश्चिक राशि में होना, तो एक तरह से कहिए कि क्योंकि शनि को 30 साल लगते हैं पूरा राशि का चक्कर लगाने में, तो 30 वर्ष के बाद, तो यहाँ से ये पता चलता है। इससे ज्यादा एनालिसिस शनि के लिए तो शायद कर पाना मुश्किल है। अगर कुछ और हम लोग यहाँ पे देखें तो और ज्यादा तो कुछ पैटर्न्स तो नहीं दिख रहे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि राहु यहाँ पे द्वितीय भाव में था माँ के कुंडली में, यहाँ पे 12वें में चला गया, तो लग्न से 12वां या लग्न से द्वितीय, तो वो लग्न पे अपना प्रभाव डालते ही है। तो एक तरह से यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि राहु का जो ये पोजिशन है ये थोड़ा शायद मिसलीडिंग या फिर हो सकता है ना भ्रमित करने वाला, क्योंकि राहु यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो 29 डिग्री, मतलब कि राशि संधि से, मतलब कुछ टाइम पहले ही वो उसका लग्न से वो 12वें घर में गया। केतु का भी वही है, यहाँ पे 29 डिग्री और यहाँ पे चंद्रमा 2 डिग्री, मतलब कि केतु और चंद्रमा का बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है यहाँ पे, भले ये दूसरे राशि में चला गया हो। और ये मैंने जो बताया है राहु के लिए ये उसका ट्रू पोजिशन है। मैंने राहु और केतु के लिए बताया था कि ट्रू पोजिशन और मीन पोजिशन एक कंसेप्ट होता है राहु और केतु के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था राहु और केतु अपने पोजीशन थोड़ा आगे होते हैं फिर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, तो उसी के अराउंड मतलब थोड़ा मूव करते करते फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रू पोजीशन तो राहु का 12वें घर में चला गया, लेकिन जो मेन पोजीशन है वो लग्न में है, तो लग्न पे उसका प्रभाव रहेगा एक तरह से राहु का। और इसका क्योंकि कंजंक्शन भी काफी क्लोज है, भले ही ये दूसरे राशि में चला गया हो, लेकिन फिर भी तो एक तरह से कहिए कि एक और पैटर्न अगर आप नोटिस करें तो माँ की कुंडली में भी चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है, राहु है, लेकिन राहु तो सिर्फ एक नोड है, कोई एक हाँ ऑब्जेक्ट या फिर वो होता है ना कि एक फिजिकल प्लैनेट, वो प्रेजेंट नहीं है। सेम यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा कि आसपास कोई ग्रह नहीं है। तो इस कारण से मैंने इसके माता जी इनको बताया था कि देखिए चंद्रमा केतु साथ में है और चंद्रमा के आसपास भी कोई नहीं, हो सकता है कि ये लड़का पहले 10 साल तक बहुत उछल कूद करेगा, इसको चोट लगने के योग है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा केतु आपको इतना ज्यादा वो होता है ना कि मन को अस्थिर कर देता है, आप दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ ना कुछ चीजों में लगे रहते हो। और एक और चीज देखिए, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पर है, तो इसलिए चोट लगने या फिर कहीं पे कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खास करके तब जब बाल अवस्था में हो। तो ज्योतिष में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जैसे बालरिष्ट योग, जिसमें होता क्या है कि बच्चे के जन्म के कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा दुर्घटना होने के योग होते हैं, तो वो इस तरह से ही बनते हैं अगर चंद्रमा पे इस तरह का प्रभाव हो। अब ज्योतिष आपको बताते नहीं कि ये योग बना तो इसका कारण क्या है, या फिर योग की परिभाषा क्या है, योग किस तरह से फलित होगा, लेकिन अगर आप कुंडली को ठीक से एनालाइज करें, उसको पैटर्न को समझे, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे था ये केस स्टडी। चलिए एक और केस स्टडी हम लोग लेते हैं और समझते हैं। ये है पिता और पुत्र का। तो यहाँ पे आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं और खुद थोड़ा एनालिस करिए, ठीक है? हाँ कहिए यश। इसमें भी कुंडली में जो पहले हमने अभी देखा है पिछली में चंद्रमा और केतु काफी नजदीक हैं बेटे की कुंडली में, और पिता की कुंडली में चंद्रमा और राहु काफी नजदीक हैं, जैसे बिल्कुल ही जैसे पिछली कुंडली में था उसी तरीके का योग है ये। और उसके अलावा शनि 10वें घर में है और यहाँ पर शनि 9वें घर में है, तो मेरे ख्याल से ये तो आजकल जिस उम्र में लोगों की शादी होती है और जिस उम्र में लोगों के मतलब पुत्र या संतान होती है, तो शनि मेरे ख्याल से वो उसको शनि को देख करके आप वो उम्र का वो देख सकते हैं कि कितने साल के बाद उनकी संतान हुई होगी। और वो ये मैंने भी काफी उसमें देखा है कि शनि जो पिता की जो और पुत्र की कुंडली में ऑलमोस्ट सेम भाव में होता है या एक भाव आगे या पीछे ही आता है। हाँ हाँ ये भी मैंने नोटिस किया क्योंकि 28-29 या 30 के बीच में ही ये मतलब हाँ लोगों की संतान होना और शादी हाँ होने का आजकल का जो हाँ नॉर्मली एज चल रही है, तो उसके हिसाब से ये शनि की एक पोजीशन मैंने नोटिस करी है काफी लोगों की कुंडली में। हाँ वो तो है। और कुछ अगर आप देख पा रहे हैं? सूर्य भी एक ही घर का अंतर है इसमें, एक ही राशि का अंतर है, या एक्चुअली सूर्य तो सेम ही राशि में है, हाँ एक ही सेपरेट राशि में ड्रेस है। में आ रहा है दोनों में। और ये भी काफी सूर्य और एक्चुअली बुध भी दोनों ही सेम राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा बेटे की कुंडली में लियो में आ रहा है और सिंह राशि में है, और यहाँ पर कन्या राशि में है, तो ये भी काफी एक ही राशि का अंतर है दोनों में। इसके अलावा तो नहीं, आप बताएं कुछ। ठीक है। तो हाँ जो जो आपने पॉइंट्स बताए अच्छे पॉइंट्स थे, तो चलिए यहाँ पे पहले पिता की कुंडली से स्टार्ट करते हैं। तो
एक और चीज मैं यहाँ पे एक और चीज आपको मेंशन कर देता हूँ कि जब भी किसी कुंडली को मतलब या फिर किसी भी जातक के पर्सनालिटी को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले लग्न और उसका चंद्रमा, ये चीज मतलब कि उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, लग्न राशि। तो यहाँ पे देखिए लग्न तो मेष लग्न बन रहा है, राशि यहाँ पे हमारा मिथुन राशि आ रहा है, सॉरी कन्या राशि आ रहा है। और यहाँ पे संतान को देखे तो इसका भी कन्या लग्न आ रहा है। तो यहाँ पे पिता को तो ये राशि मिली और पुत्र को वो लग्न मिल गया। और एक और चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड तो नहीं किया, लेकिन इनकी जो माता जी है उनका मीन लग्न है। और मीन लग्न जैसे आपको पता है कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो चार राशियां होती है ये द्विस्वभाव राशि या फिर डुअल साइन होती है, इसमें द्विस्वभाव आता है। तो एक तरह से देखिए वहां पे जो माँ का जो द्विस्वभाव वाला राशि था और लग्न था वो संतान को मिल गया, संतान को यहाँ पे कन्या लग्न मिल गया जो कि द्विस्वभाव था। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे राशि का असर पिता से और माता से लग्न का, तो यहाँ पे इनको वो मिल गया। दूसरा एक और ये पॉइंट जो अच्छा था जो आपने मिस कर दिया, ऐसे एक तो आपने बताया कि जैसे देखिए सूर्य तो यहाँ पे कुंभ राशि में है, बुध भी कुंभ राशि में है, एक और पॉइंट आपने जो मिस कर दिया वो था शुक्र का, शुक्र मीन राशि में और यहाँ पे भी शुक्र मीन राशि में है। तो दोनों को देखिए आप, शुक्र उच्च का है दोनों के कुंडली में, हाँ तो ये भी एक मतलब कि एक तरह से पैटर्न जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है वही चीज। और एक्चुअली मंगल भी सेम राशि में ही है दोनों में। मंगल भी सेम राशि में है, आपने ठीक बोला, मंगल भी यहाँ पे उसी राशि में है। तो यहाँ पे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स जो है वो तो पिता से मतलब कि मेल खा रही है, जो मतलब कि जो व्यवहार है या फिर जो होता है ना कि जो आपके जो लग्न का वो शायद हो सकता है माता से मिल रहा हूँ। मेरे पास भी कुछ दिन पहले एक कुंडली आई थी जब मैं बैंगलोर में रह रहा था, तो बैंगलोर में मेरे साथ मेरा एक मित्र रह रहा था, तो उसके कुछ दिनों के बाद उसकी विवाह हो गई और पिछले ही वर्ष उसको एक बेटी हुई थी। तो उसने अपनी बेटी का कुंडली मुझे दिया, तो मुझे तो अपने मित्र का कुंडली याद था, अच्छे से उसको मैंने काफी देर तक उसका एनालिसिस भी किया था, तो इसलिए मुझे उसके ग्रह दशा ग्रह गोचर सब अच्छे से याद थे। जब मैंने बेटी का कुंडली देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ अलग पैटर्न आ रहा है, ये तो पिता के कुंडली से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। तो मुझे तभी लगा कि ये के अपने इसका इसकी कुंडली जो है ये के अपने माता के ऊपर है या माता से मेल खाता है। तो वही चीज मैंने अपने मित्र से भी पूछा, तो उसने भी बताया कि हाँ ये मेरे जैसे तो नहीं दिखती, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तो वहां से भी मतलब कि आपने किसी को देखा नहीं लेकिन फिर भी आप मतलब कुंडली से ही बता सकते हो कि कौन किसके तरह देखने में, तो वो सुन के वो भी मतलब काफी हैरान है, फिर उसके परिवार वाले भी काफी हैरान हो गए कि ये ज्योतिष कैसे बता सकता है कि बिना देखे कि बच्चा किस पे गया है, माँ पे या पिता पे। तो हमारे लिए तो ये बस मतलब कि पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज कर लो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उनको हाँ बस थोड़ा वो अचंभित हो जाते हैं कि भाई कैसे आपने बता दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें ये अगर पिछली वाली जो कुंडली थी ये वाली, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे सूर्य बुध और मंगल एक साथ पंचम भाव में माता की कुंडली में और पुत्र की कुंडली में सूर्य बुध मंगल एक साथ लग्न में है, तो आप बताइए ये संतान किस पे गई होगी। ये माँ के उस हाँ पे बिल्कुल, उसका इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। हाँ एक क्योंकि तो लग्न भी जो है इसमें जो संतान जो बेटे की लग्न भी जो मिल है वो मेरे ख्याल से माता के लग्न से है मिल रही है, क्योंकि पांचवा मतलब जो है सातवें घर में है वो लग्न में आ रहा है, तो इफेक्ट जो उसका
जो असर है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भी मतलब कि जब उनको संतान हुई थी तब मैंने इनको देखा नहीं था, लेकिन कुंडली देख के समझ में आ गया था कि ये तो पूरे अपने माँ पर गया है। तो एक और चीज मैंने बताया था कि देखो आपके तो कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ है, तो आप तो थोड़ा एग्रेसिव रहते हो, थोड़ा गुस्सा आपको रहता है, ये तो आपसे भी एक कदम आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका तो लग्न में मंगल है और सूर्य और मंगल एक साथ में, और लग्नेश लग्न में हो हाँ करके, सूर्य जैसा ग्रह लग्नेश होकर लग्न में, सिंह लग्न का, तो आप सोच लीजिए मतलब हाँ कि वो होता है ना कि एक राजा वाली पर्सनालिटी जो अपने साम मतलब कि, राइट तो उस तरह का एक पर्सनालिटी निखर कर आता है। तो मैंने हाँ बोला था कि आपका चलो अग्रेशन समझ में आ जाएगा, आपको उतना ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, आपके बेटे का जो होगा वो तो आप मतलब अभी से ही नहीं समझ पाओगे, वो तो आपसे भी बहुत ज्यादा आगे होगा। हाँ तो मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है अगर आप उसको कनेक्ट करने लगो तो आपको कुंडली का बहुत अच्छा एनालिसिस मिलने लग जाता है, आप अच्छे से मतलब कि वो एनालिसिस दे पाते हैं, और जब लोग मतलब कि उसको सुनते हैं और वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतने अच्छे से एनालिसिस दे दिया। तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो बाकी सब आपने ठीक ही पॉइंट आउट किया, लेकिन हाँ, और ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी सेम मिल रहा है। चलिए आज के लिए लास्ट केस स्टडी लेते हैं और देखते हैं उनमें क्या पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे भी आप इसको ऑब्जर्व करिए और समझिए कि इसमें क्या सेम आपको या फिर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो यश बताइए। इसमें भी पहले जैसे हमने देखा है कि लग्न जो बन रहा है संतान का वो अपने माता पिता से इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है। जो माता का लग्न है वो मेष लग्न है, यहाँ पर तुला लग्न आ रहा है, तो वही सेम एस्पेक्ट बैठ रहा है दोनों का, मतलब केंद्र में वही सेम हाउसेस आ जा सेम भाव आ रहे हैं। और राशि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टॉरस आ रही है बेटे की, और उसकी भी माँ की भी राशि सेम आ रही है, तो ये तो काफी हद तक सिमिलैरिटी है, तो प्रोबेबली इनपे भी अपनी माता का इम्पैक्ट काफी होगा क्योंकि लग्न और ये दोनों ही माता के उससे आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपने ठीक पॉइंट आउट किया, यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 6 डिग्री का, और 6 डिग्री का चंद्रमा वृष राशि में मतलब कि कृतिका नक्षत्र है, और यहाँ पे भी 2 डिग्री का, तो ये भी कृतिका नक्षत्र ही है, तो माँ और बेटे का दोनों का ही कृतिका नक्षत्र नक्षत्र है, भी एक सेम है। नक्षत्र भी एक ही है। तो सबसे अच्छा मतलब कि होता है ना कि देखो बेटे ने भी उसी लग्न में मतलब कि उसी नक्षत्र में जन्म लिया जिसने माँ ने जन्म लिया, तो 27 नक्षत्र में से कैसे एक ही नक्षत्र ने प्रकृति ने सिर्फ एक ही नक्षत्र को चुना उस बेटे को जन्म देने के लिए। तो ये पैटर्न देखिए, और यहाँ पे देखिए सूर्य यहाँ पे द्वादश में है, जो एकादश पति है, एकादश भाव का स्वामी वो शनि है, उसके साथ यहाँ सूर्य द्वादश में बैठ गया है, तो ये एक है। और एक बात आपको भी पता होगी, अगर किसी का अर्ली मॉर्निंग या फिर सूर्योदय का समय का जन्म होगा तो उसका जो सूर्य होगा वो लग्न में होगा, उसके बाद अगर थोड़ी देर बाद का जन्म है तो सूर्य 12वें भाव में चला जाता है, हाँ उसके बाद फिर 11वें, फिर दशम, फिर ऐसे करके सूर्य यहाँ पे आ जाता है, फिर अगले दिन वापस सूर्योदय के समय सूर्य लग्न में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दोनों का जन्म का समय भी एक तरह से देखे तो एक जैसा ही है, माँ तकरीबन बराबर होगा। का जो जन्म का समय था वो 8:10 और पुत्र का जो जन्म का समय है वो 7:50। तो ये भी आप नोटिस करिए कि एक ही टाइम पे जन्म लेना मतलब कि अराउंड एक ही समय के आसपास। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो सूर्य यहाँ पे एकादश पति बन रहा है, एकादश भाव का स्वामी, वो एकादश भाव का स्वामी होकर के 12वें घर द्वादश में भाव चला, में, द्वादश में चला गया, तो सेम और पैटर्न यहाँ यहाँ पर पे। शनि एकादश भाव का, स्वामी द्वादश में। और यहाँ पे देखिए जो आपका छठे भाव का स्वामी है बुध, वो एकादश में चला गया, और यहाँ पे छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है,
वो एकादश भाव में चला गया। तो किस तरह से मतलब आपको पैटर्न मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव भी इनका स्ट्रांग है। चतुर्थ भाव होता है आपके मन का, आपका मन कितना स्ट्रांग है, कितना बलवान है, और आपका मन कितना कंट्रोल में है। तो यहाँ पे देखिए और बृहस्पति उच्च का है। बृहस्पति उच्च का है यहाँ पे। और मैंने एक और चीज आपको अगर बताया था, आपको याद हो कि अगर केंद्र में बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र और बुध, इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के हो जाते हैं तो एक महापुरुष योग बनता है। तो जब बृहस्पति केंद्र में उच्च का या स्वग्रही हो जाता है तो यहाँ पे हंस योग बनता है, हंस नाम का महापुरुष योग। और जब शनि केंद्र में आकर के स्वग्रही या उच्च का हो जाता है तो शश नाम का योग बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ही घर में, दोनों के ही चतुर्थ भाव में एक महापुरुष योग बन रहा है, चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव में। और यहाँ पे देखिए अगर बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में होता तो एक होता है ना कि ये क्योंकि आपका मन का होता है तो एक कोमल मन, और एक होता है कि जो उस तरह का मन, मन का जो स्ट्रक्चरिंग ऐसा होता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि ये गुरु है। गुरु का जो जो नेचुरल टेंडेंसी होता है वो मतलब कि काफी सौम्य टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा टेंडेंसी वो दे रहा है। और तुला लग्न के लिए अगर आप देखें तो शनि एक मतलब कि बहुत ही योग कारक ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि वो चतुर्थ का और पंचम का स्वामी होता है। चतुर्थ आपके मन का होता है, आपके जो प्रॉपर्टीज जो आप बनाते हैं, आपके सुख समृद्धि का होता है, मन में जो सेटिस्फैक्शन या कंटेंट लेवल होता है या ट्रैंक्विलिटी होती है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और आपका जो बुद्धि, तो एक तरह से कहिए कि मन और बुद्धि यहाँ पे शनि के कंट्रोल में है, और वो दोनों यहाँ पे एक अच्छे पोजिशनिंग में शनि का, तो यहाँ पे ये भी मैच आ रहा है। फिर अगर आप कुछ और पैटर्न्स भी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे राहु और शुक्र का यहाँ पे युति हो रही है। राहु यहाँ पे अग्नि तत्व राशि में है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, और राहु यहाँ पे धनु, धनु भी एक अग्नि तत्व की ही राशि होती है। और यहाँ पे राहु की दृष्टि शुक्र पर है, और यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों एक साथ है। और मंगल का जो प्रभाव है वो भी राहु पर है यहाँ पे। मंगल का जो प्रभाव, मंगल अपनी दृष्टि से राहु को देख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें मंगल द्वादश भाव से में बैठ करके राहु को यहाँ पे अपनी दृष्टि से देख रहा है। तो दशम मतलब एक तरह से देखे तो मतलब किस तरह से मतलब पैटर्न मैच करते सब, मतलब समय, काल, परिस्थिति, ग्रह दशा, सब अपने आप को इस तरह से रीअलाइन कर लेते हैं जब मतलब कि कुछ होना, मतलब किसी का जन्म होना हो या फिर उसी कुल में किसी का जन्म हो। तो एक बात तो ये कि अगर आपका जन्म किसी कुल में हुआ है या फिर आप किसी के भाई बहन हो या फिर आप किसी के पुत्र हो, संतान हो, तो वो बिना कारण के तो नहीं हुआ है। ये चीज मैंने मतलब कि सीख ली इससे कि अगर आप कहीं पे हो या फिर आप करंटली कोई काम कर रहे हो तो वो बिना किसी कारण के नहीं है। अगर पूरे पूरा सेलेस्टियल अलाइनमेंट अपने आप को एक तरह से अलाइन कर लेता है आपके जन्म के टाइम, तो वो रैंडम तो नहीं हो सकता। तो ये मेरे मतलब कि मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी कि कैसे ज्योतिष का उपयोग करके आप अपने कर्म बंधनों से मतलब कि मुक्त हो सकते हो, कैसे होता है ना कि एक मोक्ष के पथ पर प्रशस्त करो, वो एक मतलब ज्योतिष इसीलिए तो उसका उसका निर्माण इसीलिए किया है ताकि होता है ना कि जो आपको ईश्वर की तरफ ले जा सके। तो आज के लिए अंकित, तो आपने मेरे बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। तो धन्यवाद इसके लिए। तो आज के लिए तो मेरे पास ये चार केस स्टडीज ही थे। आप भी अगर आप मान लीजिए आप भी अपने घर में अपने माता पिता और अपने कुंडली को अगर आप कंपेयर करें तो आपको भी समझ में आएगा। तो
तो ऐसे करके परिवार में और लोगों के भी कुंडली देखे तो आपको एक ही पैटर्न हर जगह मिलेगा। तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि भाई अगर आपका जन्म हुआ है इस कुल में, अगर ये आपके माता पिता या भाई बहन है तो बिना कारण के तो है नहीं। उसमें मतलब कि कर्म बंधन का बहुत बड़ा वो एक नेटवर्क टाइप का है जिसके कारण आपका उस जगह जन्म हुआ है। तो आप भी अपने साइड से एनालाइज करिए और समझिए ज्योतिष को, आप भी इसको समझने का प्रयास करिए। और जब आप समझने लगेंगे तब आपको लगेगा कि एक जैसे लोग कह रहे थे कि ये तो दकियानूसी या फिर सूडो साइंस है या फिर इसका कोई बेस नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो मत पढ़िए। जब आप खुद इसको पढ़ करके एनालाइज करेंगे तब आपको अच्छे से इसका वो होता ना आभास होगा। जब मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ता था तब मुझे भी उतना कुछ अच्छा समझ नहीं आता था, लेकिन जब एक किसी व्यक्ति की लाइफ को आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, फिर उस पे आप एनालिसिस दो, फिर उसको आप समझो कि इस टाइम पे ये होगा, तभी जब आप अपना रिसर्च खुद करोगे तभी आप प्रोग्रेस करोगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप मतलब कि जो सूत्र लिखे गए हैं ज्योतिष के उसी के बेसिस पे आप अपना प्रिडिक्शन दो तो फिर कभी नहीं होगा। तो मेरे पास आज के लिए तो इतना ही था। अगर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, और अगर मुझे हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इंग्लिश में लेना चाहिए तो भी आप अपने राय व्यक्त कर सकते हैं। सो यश, आपका अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं अंकित, ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर अगला सेशन लेंगे, उसमें कुछ और टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। हाँ तो यश, आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। अंकित एक प्रश्न मेरा था, ये था मांगलिक दोष के बारे में। आप अभी बात भी कर रहे थे सेशन के दौरान, तो मांगलिक दोष के बारे में मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत कि लग्न कुंडली से भी मांगलिक दोष होता है और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक दोष को देखा जाता है। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो लगभग 60 से 70% लोगों में मांगलिक दोष आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि या तो लग्न से या फिर चंद्र कुंडली में कहीं ना कहीं से वो प्रथम और चौथे भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश में आ ही जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हाँ, ये तो एक तरह से मतलब वो बात तो आपकी सही है कि अब जितना भी पॉपुलेशन है उसमें तो सब मांगलिक हो गए तो फिर अब क्या करना। तो अब देखिए जो होता क्या है कि ज्योतिष के पास एक व्यक्ति कब जाता है, तब जब उसके पास या फिर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तब उसका जॉब अच्छा नहीं चल रहा, उसको जॉब नहीं मिल रही, तब उसकी शादी नहीं हो या रही, कोई तब परेशानी है? कोई परेशानी हो तब। तो अब भारत में है क्या कि जो ज्योतिष है उसने मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें वो कि जब तक आप जेमस्टोन्स नहीं लोगे तब तक उनका बिजनेस नहीं होगा, जब तक आप कोई रेमेडीज नहीं करोगे तब तक उनको दक्षिणा मिलेगी कैसे। तो वहां पे मांगलिक दोष को ओवर हाइप कर दिया, क्योंकि अब भारत में जो है सब मतलब शादी एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, भले आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो या फिर आपका नौकरी नहीं चल रही हो, वो ठीक है चलता है, लेकिन शादी आपके टाइम पे होनी चाहिए। और शादी मतलब कि एक एक टाइप ऑफ सोशल गैदरिंग भी होता है जिसमें मतलब आप बहुत लोगों को बताते हो, तो सही बात है। शादी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है देश में। और इसमें मतलब कि कोई भी दाम्पत्य होता है तो वो अपना मतलब कि अपने तरह से बहुत ज्यादा खर्चे भी करते हैं। अब अगर किसी ने ये कह दिया कि कोई मांगलिक दोष है और उस पे मुझे थोड़ा और पैसे लगा करके कोई उपाय कर लेना चाहिए जिससे जिसके कारण मेरी शादी अच्छी हो जाए, तो फिर क्यों नहीं। तो ये मेनली मेंटालिटी होती है जिसका लाभ ज्योतिष जो या तो फिर कहें कि ठग लोग जो होते हैं खास करके वो ज्यादा यूज करते हैं। तो एक मैं भी एक सेशन या फिर एक होता ना कि एक सेमिनार देख रहा था एक ज्योतिष का, तो उन्होंने भी बताया था कि भाई जो मांगलिक दोष होता है वो तो आजकल के जो ज्योतिष हो गए उनके लिए तो ब्रेड एंड बटर है। जब तक वो बोलेंगे सही नहीं बात है। कि आपके मांगलिक दोष है या फिर आपका ये है वो है, तो फिर उनका वो होता ना कि गुजारा कैसे चलेगा, उनको पैसे कैसे मिलेंगे। तो एक कारण तो ये कि
आपने अगर सुना है कि लग्न कुंडली से मांगलिक होता है, चंद्र से होता होगा, तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि शुक्र कुंडली से भी मांगलिक होता है। नहीं, ये नहीं सुना है, पर अगर ऐसा हुआ तो फिर तो डेफिनेटली 100% लोग मांगलिक ही होंगे। हाँ, तो कंसेप्ट ये भी होता है कि लग्न से मांगलिक, फिर चंद्र से मांगलिक, फिर शुक्र से मांगलिक, फिर उसके बाद आपका जो सप्तमेश है उससे भी मांगलिक हो। तो ये सबसे कंसेप्ट, मतलब एक अच्छा बार तो मुझे हंसी आने लगी थी, आप क्यों कर रहे हो ऐसा। मतलब अब होता है क्या कि मान लीजिए कोई इक्वेशन हम लोगों ने बनाया और उस इक्वेशन को सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में समझे, उसको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई नहीं करें, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता। जैसे अब मान लीजिए कि कैलकुलस है, कैलकुलस में बहुत सारे डिफिकल्ट डेरिवेटिव्स टाइप के फॉर्मूला होते हैं, लेकिन जब तक आप उससे कुछ डिराइव ना करो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ना करो, तो अब ज्योतिष क्या करते हैं, वो सब जो कैलकुलस वाले जो टर्म होते हैं उसको यूज कर देते हैं कि भाई शुक्र मांगलिक हो गया, चंद्र मांगलिक हो गया, लग्न मांगलिक हो गया, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, किसकी पोटेंसी ज्यादा है, किसकी कम है, वो सब तो वो कभी बताते नहीं। वो एक तरह से होता है ना कि मतलब जितना हमारे लिए अच्छा हो उतना बता दो, उसके बाद फिर जो होता है ना कि एक अंदर में जो भय रहता है कि आपने भय का बीज बो दिया, अब तो वो खुद आएंगे हमारे पास उपाय कराने के लिए। तो हाँ ये एक टेक्निक हो जाती है। दूसरा ये है कि आपको मतलब डरना नहीं चाहिए कि अगर मांगलिक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो मांगलिक है, जो लोग अच्छा करते हैं, तो वो तो नहीं, वो तो कभी आपको नहीं करना चाहिए। एक और चीज, आपने अगर अग्निवीर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो उसमें एक और चीज मतलब एक योगी का डिस्क्रिप्शन दिया है। आप अग्निवीर के अगर आर्टिकल पढ़िएगा, वाई आई एम एन योगी, तो उसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसमें ये लिखा है कि जो आपका नेचर है, जो स्वधर्म है, या फिर जो आपका जो आपके अंदर से आ रहा है, उसको आपको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये मैंने एक और बुक पढ़ा था संजीव निवर जी के द्वारा, तो उनके जो सेल्फ हेल्प बुक में से जो दो बुक्स है, वे ऑफ ब्लिसफुल लाइफ और एक था प्रैक्टिकल गाइड टू मोक्ष, तो उसमें उन्होंने यजुर्वेद का एक वो दिया था, एक लाइन शायद ईशोपनिषद से था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो नेचुरली आपके अंदर आ रहा है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को कभी आप रिस्ट्रिक्ट मत करो। मांगलिक अगर योग होता है या दोष होता है, जो भी होता है, अगर वो एग्रेशन आपके अंदर से आ रहा है, उस एग्रेशन को कहीं अच्छी जगह अप्लाई करो, ये सोचने के लिए कि भाई अग्रेशन अच्छा है उसको खत्म कर दो या फिर उसको पूरा शांत कर दो ताकि हम कुछ अच्छा कर लेंगे, ये मतलब कि गलत है। जो प्रैक्टिकली मतलब आपका जो नेचर है उसको अच्छे से मैनिफेस्ट होने दो। और दूसरा ये कि जब भी आप मतलब कि अच्छा कोई डिसीजन लो तो उसको लॉन्ग टर्म्स इम्पैक्ट उसका देख करके डिसीजन लो, कि अगर आप कर रहे तो क्यों कर रहे, और अगर अगर आप नहीं करते तो क्या है। तो उसमें एक ऐसा कुछ वर्ड था जिसमें ये था ना कि आपको अगर मतलब कि एज अ ह्यूमन आपको जीना है, तो आपको ये टारगेट करके जीना चाहिए कि आपको 100 साल जीने हैं, और 100 साल में से मतलब कि अपना जो बेस्ट है वो देने के लिए। जो मैंने भी एक चीज नोटिस किया, जब आप मतलब कि होता है ना कि जो अपना नेचुरली जो आपके अंदर है वो आप पूरी तरह से दो, तो फिर आपको भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं कि ये रेक्टिफिकेशन हो जाए, वो रेक्टिफिकेशन हो जाए, क्योंकि आपको फिर वो टेंशन नहीं रहता कि भाई भाई लोग क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा। तो वो एक चीज है जो, तो अगर आपके कुंडली में कोई योग है या फिर कोई दोष बन रहा है, तो हमेशा उसको समझने की कोशिश करिए कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जैसे मंगल का ही हो गया, अगर मंगल किसी के लग्न में हो तो जनरली आदमी एग्रेसिव होगा, तो अब उसको अपने एग्रेशन को कहाँ यूज करना है, या मतलब हर वो दूसरे इंसान से मिलता है उसके ऊपर अपने एग्रेशन दिखाए, या फिर जो काम कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे है ना कि मतलब अपना वर्क स्पेस, या फिर अपना जो एम्बिशन है लाइफ में उस पर अपने एग्रेशन दे, तो वो आपका वो पर्सनल विल होता है, आपका फ्री विल होता है, तो वो आपको डिसाइड करना है।
तो ये ज्योतिष तो एक होता है, लेकिन उसके बाद भी एक नैरो मार्जिन ऑफ फ्री विल होता है आपके पास, कि आपके पास भी इतने सारे तो मतलब कि आपका स्किल्स है, टैलेंट है, आप उसको किस तरह से यूज करते हो। तो अगर कोई भी माता पिता अपने संतान को लेकर के चिंतित है कि भाई मेरे बेटे या बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए। मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं जो मांगलिक है, तो उनकी शादी तो बिना कुंडली देखे ही हुई थी, उनकी शादी आज तक अच्छे से है। मेरे जब दादा दादी के टाइम में उस वक्त तो शायद ये सॉफ्टवेयर या फिर कुंडली का चलन था, लेकिन इतना ज्यादा था ये नहीं, तो उस समय तो और भी कम हुआ होगा या फिर सेलेक्टेड लोगों का हुआ होगा। तो ये मतलब होता ना कि आपको डिसीजन खुद लेना है। अगर आपको कोई ये भयभीत कर रहा है इस बात से कि मांगलिक योग है, तो उस पे ज्यादा टेंशन मतलब कि उसका ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 28 साल का या 30 साल का हो चुका है, तो उसने अपना जीवन अभी तक तो अच्छे से बिताया, तो आगे क्या हो जाएगा ऐसा जिसके कारण कुछ मतलब बहुत ज्यादा असुविधा होगी उसको। तो बस जस्ट टू कंक्लूड, मैं ये कहूंगा कि जो मांगलिक दोष है वो थोड़ा ओवर हाइट है, अब ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए। और अगर एक ही ग्रह अगर पूरी तरह से डिसाइसिव हो जाए कि उसको उसके कारण ये होगा, उसके कारण वो होगा, तो बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। जो बिल्कुल बाकी नवग्रह है, फिर नवग्रह में से सिर्फ एक ही ग्रह पर अगर हम फोकस कर लेंगे तो बाकी ग्रह को तो देखेगा कौन। तो वो है। तो और कोई प्रश्न आपका? ठीक नहीं अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। है, धन्यवाद।